डेली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दबाइए इस सब्सक्राइब बटन को और दबाइए इस घंटी बटन को ताकि आप देख सके डेली लेटेस्ट। प्रेगनेंसी में शारीरिक संबंध, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं से सेक्स को लेकर झूठ बोले जाते हैं और हम अक्सर बिना सच्चाई जाने और बिना रिसर्च किए ही किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को हमेशा से ही अपना और आने वाले शिशु का ख्याल रखने के लिए बहुत सी सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक गर्भावस्था के दौरान यौन संबंध न बनाने की सलाह भी है। इससे जुड़े कई मिथक प्रचलित हैं जिन पर लोग लंबे समय से भरोसा करते आ रहे हैं। हम अक्सर बिना सच्चाई जाने और बिना रिसर्च किए ही किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए हाल ही में एक शोध किया गया है। सेक्स रिसर्चर सोफिया जावेद वैसल का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह देकर हम महिलाओं को शारीरिक सुख से नजरअंदाज करने का काम करते हैं। सोफिया ने कहा कि हमें गर्भवती महिलाओं को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकतर महिलाएं गर्भावस्था के दौरान 4 महीना तक यौन संबंध बना सकती हैं और यह पूरी तरह सुरक्षित भी है। सेक्स से जुड़े कई विषयों पर रिसर्च कर चुकी शोधकर्ता सोफिया ने कहा, जब हम गर्भवती महिलाओं को सेक्स न करने की सलाह देते हैं तो यह व्यवहार बताता है कि हमें उनके यौन सुख की कोई परवाह नहीं है। टेड टॉक के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए वैसल ने कहा कि अक्सर गर्भवती महिला को उनकी यौन जरूरतों और इच्छाओं से अलग कर दिया जाता है। आमतौर पर हमारा समाज उन्हें केवल प्रजनन की एक वस्तु समझता है। वैसल ने कहा, गर्भवती महिलाओं को एक अच्छी माँ बनने के लिए बेसिक प्राइवेसी तक नहीं दी जाती। इसके साथ ही उनसे उनकी शारीरिक आज़ादी भी छीन ली जाती है। हम उन्हें उनके निजी फैसले लेने की आज़ादी तक नहीं देते।